हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर। हमारा ये जो गाइड टू नेचुरल प्रेगनेंसी है, इसमें ये सिक्स्थ वीडियो है। दोस्तों, ऐसे हमने 21 वीडियोस का आपके लिए एक सीरीज बनाया है, जिसमें हम नेचुरल कंसेप्शन के लिए एकदम सिंपल और क्रिस्प इंफॉर्मेशन देंगे उन कपल्स के लिए जो नेचुरली प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। दोस्तों, एक जब हम नेचुरली प्रेग्नेंट होने की ट्राई करते हैं ना, तो ये वेट एक बहुत बड़ा इश्यू है। लोगों को लगता है कि या मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ओबीज हूँ, क्या दोनों चीज़ के वजह से मेरे को नेचुरल प्रेगनेंसी में कोई रुकावट आएगी। देखिए दोस्तों, बहुत ऐसे कपल्स रहते हैं जो ओवरवेट रहते हैं या अंडरवेट रहते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत तो रुकावट आ सकता है, पर उसमें प्रेग्नेंट भी बहुत सारे हो जाते हैं। इसीलिए नेचर बहुत मेहरबान है। पर आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आइडियल क्या है आपके लिए। देखिए दोस्तों, आइडियल वेट का कैलकुलेशन करना बड़ा सिंपल चीज़ है। इट इज़ समथिंग कॉल्ड इज अ BMI कैलकुलेटर। BMI कैलकुलेटर करके एक ऐप है, आप डाउनलोड कर लो, आपके फ़ोन पे आ जाएगी। सिंपल है, हाइट डालना है, वेट डालना है, बस। ओके, इसमें If your BMI is between 20 and 24, that is considered to be normal. अगर आपका ये कैलकुलेशन आ गया तो ये वीडियो आप इधर का इधर बंद कर दो। आप नॉर्मल हो, आपको वेट रिलेटेड कुछ टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट वीडियो देखो। जो बंदा पतला है उसके लिए मैं एक सिर्फ सिंपल चीज बता के रखता हूँ, प्लीज़ डू प्रीकंसेप्शन काउंसलिंग। मतलब आप हमारे प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग के वीडियो को देखिए, उसमें हमने जो रिपोर्ट्स करवाए सारे करवाइए, डॉक्टर के पास में जाइए और डॉक्टर आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कोई भी प्रकार का प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए सलाह देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट के पास में जाकर आपका वेट लॉस प्लान करना है, क्योंकि ज़्यादा मोटापे के वजह से सीमेन पैरामीटर्स, मतलब मेल पार्टनर के जो सीमेल पैरामीटर्स रहते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। फीमेल पार्टनर्स में देर कैन बी अ प्रॉब्लम इन ओव्यूलेशन, आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, इसके वजह से आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अगर कोई फीमेल का वज़न लेट से 90 kg नॉर्मल से ज़्यादा है और वो 90 kg में से उन्होंने सिर्फ 10% वेट लॉस भी कर लिया ना, तो दोस्तों ये जो ओव्यूलेशन का इश्यू है ना, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स सिर्फ 10% वेट लॉस करने से आपके फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आपको हमेशा, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको हमेशा नेचुरली प्रेग्नेंट होने के पहले ये प्लान करना है कि आप आपका थोड़ा बहुत वज़न कम करें। ये वज़न कम करना IVF के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, है पर इतना नहीं। पर अगर आप नेचुरली प्लान कर रहे हो, उम्र में छोटे हो, तो ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि उससे आपकी प्रेगनेंसी को भी बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। एक टारगेट ध्यान में रखना है कि यू विल ट्राई टू लूज अप्रॉक्सीमेटली 0.8 to 1 kg वेट पर मंथ। अगर आपने इतना भी वेट लॉस का सोच के रखा तो तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर ये जो 10% वेट लॉस है, ये टारगेट को आप मैच कर पाओगे और फायदा आप ही को होगा। डाइट न्यूट्रिशन वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एडवाइस नहीं सुननी है, हमेशा उस चीज के लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है। आपके बॉडी फैट कम करने के लिए क्या सबसे बेहतरीन उपाय है, वो एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगा, मैं नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।